ग्राम धौर्रा हत्याकांड का खुलासा, बाप ही निकला बेटी का हत्यारा, विरोधियों को फंसाने के लिए की थी बेटी की हत्या। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या की थी। मालूम हो कि झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना अंतर्गत ग्राम धौर्रा में विगत दिवस नाबालिग लड़की माया की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतका के पिता ने विजरवारा निवासी सलीम खान, मजीद खान समेत 8 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की। छानबीन करते हुए पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए बताया कि माया का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पिता बबलू ही है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, मऊरानीपुर की क्या घटना? कल मऊरानीपुर में एक युवक के द्वारा अपनी बच्ची की हत्या कुछ लोगों के द्वारा कारित किए जाने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, एविडेंस कलेक्शन शुरू किया, जिसमें डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, अन्य तथ्यों को जांचा पड़ताला गया। इसी दौरान जो शक की सुई थी वो स्वयं पिता के ऊपर घूमी, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस ऐसे थे जो क्रिएट किए जाने जा रहे थे। पीएम करवाया गया। पीएम के बाद में आज जब पिता से पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म कबूला। उसने बताया कि वो एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग पिछले 10 साल से अंगेज था। अब वो युवती उस प्रसंग को पटाक्षेप करना चाह रही थी, साथ ही साथ उनके बीच में झगड़ा भी हो रहा था, पैसे के लेन देन का विवाद भी था, अन्य कुछ विवाद थे। उन सब विवादों का पटाक्षेप करने के लिए उसने अपनी बच्ची की स्वयं हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में उसने हल्ला ये किया कि जो दूसरे गाँव के युवक युवतियाँ हैं वो उसको मारने के लिए आए थे, उस दौरान बच्ची की हत्या कर दी है। एविडेंस कलेक्शन के तहत उसने जो आला कत्ल है वो बरामद करवा दिया है। तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो बच्ची की हत्या की घटना थी उसका सफल अनावरण झांसी पुलिस ने कर दिया है। मऊरानीपुर से पुष्पिंदर श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।